नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार स्टोरी मीडिया पर। आज खास करके दोस्तों मेरा यह फर्स्ट ब्लॉगिंग है। हमारे पटना जिला में एक पुल का उद्घाटन हुआ है जिसके बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। और कुछ ही दिन पहले यह पुल का उद्घाटन हुआ था जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के हाथों द्वारा यह पुल का उद्घाटन हुआ था। यह पुल लगभग 1.7 किलोमीटर लंबा है जो बहुत सारे रास्तों को जोड़ती है। अभी दोस्तों आप जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस पुल पे आर ब्लॉक के ठीक गोलंबर के ठीक ऊपर पुल के पास खड़ा हूँ, जहाँ यहाँ से देखने में काफ़ी हद तक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है दोस्तों, आप भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको इस पुल का पूरा सैर कराता हूँ जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। दोस्तों अभी आपने इस पुल की खूबसूरती को देखा, चलिए मैं आपको यह पुल कहां से शुरुआत होता है जिसके बारे में बताने जा रहा हूं। अभी जहां पे मैं खड़ा हूं वह वीरचंद पटेल पथ है जो इनकम टैक्स गोलंबर से 700 मीटर की दूरी पे दक्षिण की ओर आपको यह पुल का स्टार्टिंग मिलेगा दोस्तों, जो यहाँ से शुरुआत होती है। यहीं पर बगल में देख सकते हैं, यहाँ पे पटना क्लब है दोस्तों, जो ठीक पुल जहाँ स्टार्ट होता है वहीं से यह पटना क्लब है। और बगल में ही आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जेडीयू का यहाँ पे कार्यालय है। देखिए दोस्तों इस पुल पे चढ़ने के लिए आप इस रास्ता से आप जा सकते हैं जहाँ पे मैं खड़ा था। फर्स्ट बार जब यहाँ पर आप चढ़े थे वहाँ का दूसरा छोर पर मैं आ गया हूँ दोस्तों। अभी मैं दोस्तों विधानसभा के ठीक बगल में खड़ा हूँ, जो इस जहाँ से यह पुल का एंडिंग होता है वहीं पे खड़ा हूँ। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यह रास्ता जो है किधर से किधर की ओर जाने के लिए फ़ायदेमंद है। यह देखिए दोस्तों आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसा कि पटना एयरपोर्ट के अगर आपको जाना हो तो आप इस आना हो या जाना हो आप इस रास्ते से आ जा सकते हैं। हज भवन भी जा सकते हैं आ सकते हैं। जगदेव पथ देख लीजिए, बाईपास के रास्ते आपको जाना हो या नेहरू मार्ग के रास्ते आपको जाना हो या उधर से आपको आना हो तो आपको यह पुल बहुत ही कारगर साबित होगा दोस्तों। आइए अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आगे एक और गोलंबर आता है दोस्तों, गोलंबर से थोड़ा सा और पहले एक और रास्ता कट के जाता है जिसके बारे में आपको, चलिए आइए आपको ले चलते हैं वहाँ पे, लाइव आपको दिखाते हैं वहाँ पे कि कैसे वहाँ पे किस तरह से जुड़ा हुआ है रास्ता और वह रास्ता किससे कनेक्ट होता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यह कंस्ट्रक्शन का काम इस साल के अंत में दिसंबर तक यह पूरा होने की संभावना है दोस्तों। यह पुल बन जाने से आपको अगर स्टेशन जाना हो या स्टेशन से आना हो या फिर आपको उधर मीठापुर की ओर जाना हो, बस स्टैंड की ओर जाना हो या आपको स्टेशन कर बिगहिया स्टेशन जाना हो तो आपको इस रास्ते से आप आ जा सकेंगे। इससे सभी बिहार वासियों को बहुत हद तक जाम से छुटकारा मिलेगा और समय की बचत होगी। यह पुल जो है पूरा पटना के जहां भी जाना हो लगभग सभी जगह को कनेक्ट करती है दोस्तों। अभी मैं तीसरा छोर पे खड़ा हूं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों।
जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए आपका तीसरा रोड, जहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है जो इस नया पुल जो उद्घाटन हुआ है, जिससे ये जोड़ती है दोस्तों। सबसे मेन बात यह पुल जोड़ती है, यह जो पुल स्टार्टिंग हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं यह पुल जो स्टार्टिंग हुआ है, यह पुल का नाम यारपुर पुल है। जो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, यह यारपुर पुल के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन इसका पुराना नाम भिखारी ठाकुर पुल भी इसे भी जाना जाता है। आगे बढ़ के दिखाता हूँ यह पुल के बारे में कि कैसे कनेक्ट लेती है और किस जगह से कहाँ कहाँ पे आप इस पुल के माध्यम से जा सकते हैं, देख सकते हैं। यह रास्ता जो है, बीच में गोलंबर एक और आता है, जिससे होते हुए आप मीठापुर जाना चाहते हो तो पूरब की ओर आप मीठापुर जा सकते हैं, और वहीं यही गोलंबर से आप को अगर पश्चिम की ओर जाना हो तो करबिगैया होते हुए आप अनिसाबाद के रास्ते भी आप इसी पुल के माध्यम से आप आसानी से जा सकते हैं। पुल के ठीक ऊपर गोलंबर पे खड़ा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह रास्ता आपको अगर मीठापुर की ओर जाना हो तो आप ये इस पुल के माध्यम से आप मीठापुर की ओर जा सकते हैं, अनिसाबाद की ओर जाना हो तो आप इस पुल की मदद से जा सकते हैं। जैसा कि यह बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको अनिसाबाद जाना हो, चितकोहरा जाना हो, गर्दनीबाग जाना हो तो आप इधर की ओर जा सकते हैं। अगर आपको मीठापुर जाना हो, करबिगहिया जाना हो तो आप इस पुल की मदद ले सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा आर ब्लॉक फ्लाईओवर के नज़ारा, जो किसके किसको कनेक्ट करती है, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह मेरा फर्स्ट वीडियो था दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपका साथ हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अगर साथ दीजिएगा दोस्तों तो मैं आपके लिए एक से एक और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है दोस्तों। अगर किसी तरह से प्रॉब्लम हो गया हो, किसी तरह से अगर त्रुटि हो गया हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। यह मेरा फर्स्ट वीडियो था दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।